नमस्कार दोस्तों, न्यूज हिंदी टीवी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले चरण के लिए थमा प्रचार, 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो आइए इसके बारे में विस्तार में जानकारी लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में आज चुनाव प्रचार थम गया। अंतिम दिन चुनाव प्रचार को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जेपी नड्डा, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने रैलियां की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, मंत्री प्रेम कुमार, संतोष कुमार निराला सहित कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। इन जिलों में होगा मतदान। पहले चरण में 1066 प्रत्याशी मैदान में है। पटना, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई, बांका, जहानाबाद, अरवल, नवादा व शेखपुरा जिलों में मतदान होगा। 2,14,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार के चुनावी दंगल में सत्तारूढ़ एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और बीआईपी शामिल है। नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल है। महागठबंधन के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। वहीं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की पार्टी भी मैदान में थे। बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होगा। इसके तहत प्रथम चरण के लिए 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए मतदान होगा। वही वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार हर दिन 4 से 5 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव 10 से 12 रैलियां हर दिन कर रहे हैं। ऐसे ही बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में एक बेल आइकन आएगी, उसे भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।